नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम वापस आए हैं क्लास पहली का पाठ नंबर 11 पतंग लेकर। आपने देखा होगा बहुत सारी पतंगे उड़ते हुए आसमान में, तो आज हम उन्हीं रंग बिरंगी पतंगों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ये कविता। कवि कहता है, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। पतंग जो है वो आसमान में सर 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 कर सर करती, फर फर करती, उड़ती ही जा रही है। इसको काटो उसको काटो, पतंग हमेशा ये सोचती है कि मैं इस पतंग को काट दूं या फिर उस पतंग को काट दूं। खूब लगाया सैर सपाटा, उड़ते उड़ते पतंग ने खूब सैर की आसमान की, क्योंकि वो इतना ऊंचा उड़ी कि उसने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी। अब लड़ने में जुड़ी पतंग, अब पतंग लग रही है एक दूसरी पतंग के साथ लड़ने में, मतलब एक पतंग दूसरी पतंग को काटने लगी है। अरे कट गई लूटी पतंग, अब क्या हुआ, पतंग कट गई। और जैसे ही पतंग कटी तो बच्चों ने दौड़ा और दौड़कर उस कटी हुई पतंग को लूट लिया। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो पतंग सर 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 कर, फर 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 कर फिर से आसमान में उड़ने लगी। तो बच्चों देखा आपने इस कविता में पतंग कितने अच्छे तरीके से उड़ रही है और कैसे वो कटी और लूटी गई। चलिए आप देख लेते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, पतंग का चित्र बनाओ। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, फिर हम एक लेटी हुई रेखा खींचेंगे। आप सीधी रेखा के पहले पॉइंट को लेटी हुई रेखा के पहले पॉइंट से मिला देंगे। अब दूसरे पॉइंट को सीधी रेखा के दूसरे पॉइंट से मिला देंगे। आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए तीसरे पॉइंट को मिलाएंगे और आखिरी वाली लाइन जो चौथी रह गई है अब उसको जॉइंट कर देंगे। फिर सबसे नीचे वाले हिस्से पर एक छोटा सा त्रिभुज बना देंगे और उसी त्रिभुज से निकलती हुई उस पतंग की डोरी बनाएंगे। तो बच्चों बन गई हमारी पतंग। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहां तुमने क्या क्या देखा। तो इसमें हमें बताना है कि जब हम पतंग के साथ ऊपर आसमान में उड़ने गए तो उस समय हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा बादल, नीला आकाश, पक्षी और रंग बिरंगी पतंगे। प्रश्न 3, पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। तो बच्चों जब जब पतंग कटती है तो वो कहाँ कहाँ गिरती है। पहला प्रश्न, पहला उत्तर, पेड़ पर, सड़क पर, छत पर या फिर मैदान में। तो बच्चों आपने देखा, हमने ये कविता भी पढ़ी और इसके अभ्यास प्रश्न भी किए। तो बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।